वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स शिखा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है करवा चौथ मेकअप लुक। जैसे कि आप सबको पता ही है करवा चौथ आ गया है और करवा चौथ मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आप न्यू ब्राइड हैं तो आप इस वाले मेकअप को कर सकते हैं। तो चलिए डिले ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज मैंने सबसे पहले आई मेकअप डन किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है लॉरेल इन्फेलेबल का कंसीलर और मैं यहाँ पर इसको अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है मैंने, उसी की हेल्प से मैं अपने आईलिड को सेट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है PSC का सेटिंग पाउडर। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, अफोर्डेबल है। सो इसको मैंने इसलिए लगाया है ताकि कोई क्रीज ना पड़े और कलर जो है वो पॉपअप दिखें। तो यहाँ पर मैंने आई शेडो पैलेट लिया है आई मैजिक का। ये मेरा ऑब्सेशन कह लो आप इस वाले आई शेडो पैलेट का। बहुत ज़्यादा अच्छे कलर्स हैं इसमें, न्यूट्रल्स भी मिलेंगे आपको और ब्राइट भी मिलेंगे और डार्क भी मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है लाइट ब्राउन सा शेड है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है और हल्का हल्का ना रेड सा टिंट दे रहा था। उसके बाद मैंने लिया है डार्क ब्राउन एंड आउटर वी पे ही उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। पहले वाला जो शेड मैंने लिया था वो मैंने आउटर वी से मिड की तरह ले जाते हुए और बहुत ही लाइट में मैंने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने जो ब्राउन लिया था वो मैंने आउटर वी पे अप्लाई करा, दैट्स इट। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे शिमर शेड जो कि शैम्पियन कह सकते हो आप, शैम्पियन शेड है और मैंने इसको फ्लैट ब्रश की हेल्प से सिर्फ मिड लिट तक ही अप्लाई किया है, इनर से मिड लिट तक। उसके बाद मैंने ब्रो बोन्स भी इससे डन करी है। डार्क ब्राउन शेड लिया है, वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे को वाटर लाइन पर काजल भी मैं वैसे अप्लाई करूँगी बट मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए था इसलिए मैंने ये लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना इनर कॉर्नर पे सेम वही गोल्डन जो शैम्पियन शेड था उसको अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर पे, जो कि और ज़्यादा सुंदर और इन्हेंस लगेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्लिटरी आई शेडो लिया है मार्स का, लिक्विड ग्लिटरी आई शेडो है और फिंगर की हेल्प से मैं उसको सेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल आई लुक क्रिएट नहीं किया है, सिंपल सा ही है और दोनों आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। यहाँ पर मिड लिड तक अप्लाई किया है और उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ काजल। मेबलिन कलोसल का काजल है, स्मच प्रूफ है, काफ़ी अच्छा है। आज मैंने वाइट काजल वगैरह कुछ नहीं लगाया है। उसके बाद मैंने सेम मेबलिन कलोसल का ही आईलाइनर लिया है, इनर कॉर्नर पे मैंने बहुत पतला एंड आउटर वे में ले जाते हुए मैंने उसको थिक कर दिया है और मैं इसका वॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप अच्छा खासा विंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने लिया है स्ट्रोब क्रीम, आप मैक की भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का लिया है, ये उसी का ड्यूप है और बहुत अच्छा वर्क करता है स्किन पर, रेडियंट देता है, काफ़ी अच्छा ग्लोई स्किन लगती है आपकी मेकअप के बाद। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है और बहुत ही लाइट हैंड से, जेंटल हैंड से मैंने इसको पूरे फेस पर अच्छे से मसाज कर दिया है। आप देख सकते हैं एक हल्का सा शाइन मेरे फेस पर जो है ना आ गया है। बारी आती है हमारी कंसीलर की, फॉरएवर 52 का कंसीलर ले रही हूँ। जहाँ पर भी मेरे पिगमेंटेशन है, अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, अराउंड टू माउथ एरिया पिगमेंटेड है, डार्क स्पॉट्स हैं, हर जगह मैं वहाँ पर कंसीलर अप्लाई करूँगी ताकि मेरा जो फाउंडेशन या फिर मैं कंसीलर कुछ भी अप्लाई करूँ उसमें मेरे कोई भी स्किन पर जो भी स्पॉट हैं वो दिखे नहीं। तो हर जगह अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अराउंड टू माउथ भी। बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीलर पैलेट है ये, आपको एक ही पैलेट में सारे शेड्स मिल जाते हैं इसीलिए ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, आपके अंडर 1000 के आ जाएगा। और मैंने इसी को पूरे फोरहेड पे भी जहाँ पर मेरे थोड़ा सा हल्का सा शेडो सा आता है डार्क सा वहाँ पे अप्लाई कर लिया है। सेम डैब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट बारी आती है हमारे फाउंडेशन की, लिया है मैंने यहाँ पर नार्स का फाउंडेशन, बार्सिलोना लिया था और उसमें मैंने एक डार्क शेड और मिलाया था दूसरे ब्रांड का, पैक का था वो दूसरा ब्रांड। तो यहाँ पर मिलाने के बाद मैंने अच्छे से पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लिया है, फिंगर की हेल्प से मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि ब्रश यूज़ करा जाए फेस पर, उसके बाद मैंने फिर हैंड से ही कर लिया। यहाँ पर सेम डैब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने पूरे फेस को अच्छे से डैबिंग मोशन में सेट कर लिया है हर जगह से। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको यही चीज़ बताती हूँ कि जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो तो वो गीला होना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से गीला नहीं, आपको हल्का सा गीला करना है और हल्का वेट होना चाहिए ताकि आपका जो मेकअप है ना वो और भी ज़्यादा फिनिशिंग दे और फेस फ्लॉलेस लगे। इसीलिए यहाँ पर हम जो है डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर को ही अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है फॉरएवर 52 का ही ब्लश, इन दिस 02 है और मैं इसको चिक पे, अपनी नोज़ पे और चिन पे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा लगता है इसीलिए मैंने यहाँ पर नोज़ पे भी मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ।
अच्छा लगता है इसीलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैबिंग मोशन में इसको सेट कर लिया है। लास्ट में यहाँ पर लेनी हूँ कलर एसेंस का ब्राउन्जर। मैंने यहाँ पर कोई भी कॉन्टोर नहीं किया है अपने फेस को, सिर्फ ब्राउन्जर कर रही हूँ। अगर आप इवनिंग वाली पूजा में बैठ के कर रहे हो यार मेकअप, तो आपको ब्राउन्जर ही इनफ है, आपको कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ जहाँ भी मेरा चिक एरिया है, फैट है, नोज़ है, मेरा जॉ लाइन है, हर जगह मैं इसको एक शेडो क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर। तो दोनों चिक पे अप्लाई कर लिया है, नोज़ पर भी, फॉरहेड पे भी एंड अपनी जॉ लाइन पे भी। तो जहाँ भी मेरा फैट है उसको मैं इससे कट कर दूँगी। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर ईयर के पास क्यों कट दे रही हूँ, इससे ना आपका फेस और ज़्यादा शार्प दिखता है, इसीलिए मैंने उसको अपने ईयर के जो हमारा चिक होता है वहाँ पे भी अप्लाई करा है। उसके बाद सेम इनफेलेबल लॉरेल का मैं यहाँ पर ब्राइटन अप कंसीलर ले रही हूँ, जो भी मेरी हाई पॉइंट है अपने फेस के उनको ब्राइटन अप दिखाने के लिए, नहीं तो वो धसे हुए लगेंगे, अंदर को डार्कनेस दिखेगा। तो उनको उभारने के लिए हम लोग जो है लाइट कंसीलर अप्लाई करते हैं, ताकि हमारी पॉइंट्स जो हैं फेस के कुछ वो उभरे हुए दिखे, हाइलाइट्स दिखने चाहिए हमारे फेस पर, नहीं तो सारा एक जैसा लगेगा। इसलिए मैंने अप्लाई करा है पूरे फेस पर अच्छे से उसको जहाँ जहाँ जरूरत थी। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर पाउडर ब्लश। पाउडर ब्लश मैंने इसलिए लिया है ताकि और ज़्यादा मेरे चिक जो है वो इन्हेंस लगे, ब्लश जो है वो और ज़्यादा दिखे। तो नोज़ पर भी अच्छे से अप्लाई कर लिया है, चिन पे भी। नेक्स्ट यहाँ पर PAC का मैंने सेटिंग पाउडर लिया है, पूरे फेस को मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे क्रीसिस पड़ने के आपके चांसेस है, लैफिंग लाइन आपके दिखेंगे। तो अच्छे से बहुत ही कम अमाउंट में आपको ये सेटिंग पाउडर लेना है और उसको अप्लाई करना है अपने पूरे फेस पर हल्के हल्के हैंड से, राइट। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। ये मेरी आजकल की करंट फेवरेट आईब्रो पेंसिल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, बहुत अच्छा वर्क करती है। जो हाई रेंट के प्रोडक्ट्स होते हैं आईब्रो के, उससे मतलब मैं कह सकती हूँ कि उसके लेवल का काम करती है, ड्यूब समझ लीजिए आप, बहुत अच्छा काम करती है। पहले मैंने स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को कॉम किया है, देन उसके बाद मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ। तो दोनों आईब्रो को फिल करने के बाद PAC का सेटिंग स्प्रे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, एंड अच्छे से पूरे फेस को सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो ब्राउन शेड था ना उसको अंडर आई पे लगाया है, ताकि और ज़्यादा मेरी आंखों पे दूसरा शेड भी दिखे, डार्क ब्राउन के साथ लाइट ब्राउन भी। उसके बाद सेम मेबलिन क्लॉसल का मैंने मस्कारा लिया है, बहुत अच्छा मस्कारा है, आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए प्लीज़ यूज़ करिए, आप फिर मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। फॉरएवर 52 का ही मैंने यहाँ पर 02 हाइलाइटर लिया है और अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपने चिक पर, अपने टिप ऑफ दी नो, अपने चिन और अपनी फोरहेड के साइड में अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ थोड़ा सा इसका फॉल आउट होता है, मतलब क्रीमी है बट ये प्रोडक्ट थोड़ा सा मुझे लगता है वेस्ट सा होता है, बट वर्क अच्छा करता है, ठीक है आप ले सकते हैं। स्विस ब्यूटी की पेंसिल ली है, ब्राउन शेड आप ले लीजिए, पर्पल भी है, ब्राउन भी है और कोको भी है, काफ़ी सारे शेड्स हैं ब्राउन, वो ही रखिए आप 3-4 शेड, उसके अलावा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ब्राउन शेड के लिप लाइनर है तो वो आपके लिप्स को कॉन्टोर कर देती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कोई भी न्यूड लिपस्टिक नहीं करी है आज यूज़, मेरे को थोड़ा सा ब्राइडल लुक सा चाहिए था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर की लिपस्टिक ली है, रिकोड की है ये और बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड फाइनल लुक हो चुका है। दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, होप आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो मेक श्योर आप लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।